हाय गाइस, वेलकम टू सी एस एस सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी एस एस बॉक्स मॉड्यूल का पार्ट टू। मीन देखो कि हमने पहले वाले इसमें देखा था कि सी एस एस मॉड्यूल क्या होते हैं, उसका सिक्वेंस देखा था। तो इस वाले वीडियो में मैं उसको उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहता हूँ। द एक्सप्लेन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स कंटेन द कंटेन ऑफ द बॉक्स देर आर इमेजेस और अपीयरेंस। मीन्स देखो, आपने जो एचटीएमएल में कंटेंट लिखा होगा, मीन्स आपने सम टेक्स्ट लिखा होगा या आपकी इमेजेस होंगी, वो कंटेंट के पार्ट में जाएगा। पैडिंग पैडिंग क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट एंड पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। मीन्स देखो कि जो आप कई बार क्या करते हो कि उसके अंदर कुछ आप क्लीन मीन्स देखो कि आप कंटेंट के बाजू में पैडिंग आ जाती है और उसके बाहर बॉर्डर आती है और उसके बाहर मार्जिन आती है। एक ठीक तरह से आप देख लो कि देखो, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाऊंगा, आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लो, मतलब आपको ये वीडियो ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो ये एक हो गया बॉर्डर। बॉर्डर तो आपको पता ही है, पैडिंग और मार्जिन के बीच में बॉर्डर आ जाती है। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एक लेआउट होता है, वो ड्यू के बाहर के साइड में आ जाता है। और मार्जिन इज ट्रांसपेरेंट। द बॉक्स मॉडल अलाउ द एड बॉर्डर अराउंड एलिमेंट्स एंड डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स। मीन देखो कि उसके अराउंड में आ जाता है और डिफाइन द स्पेस बिटवीन बॉर्डर। जैसे कि देखो, मैंने नीचे एग्जांपल लिखा, एक ड्यू बनाया और ड्यू के अंदर मैंने एक वीथ दे दी, उसकी 300 पिक्सल, उसके बॉर्डर दे दी मैंने सॉलिड ग्रीन, और उसके बाद में उसको पैडिंग दे दी, बाद में उसको मार्जिन भी दे दी। तो इस तरह से मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से। तो चले विजुअल स्टूडियो के उधर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली मैंने एचटीएमएल का कोड लिखा है, और एक कोड लिखने के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे ये सीएसएस का ये भी कोड लिखा है, मतलब एक सीएसएस की फाइल बनाई है, ये सीएसएस और उसकी फाइल बनाई है, और उसके बाद में मैंने सीएसएस की फाइल को लिंक टैग से इधर लिंक कर दिया। तो अभी मैं लाइव सर्वर में आपको जाके दिखा रहा हूँ कि क्या है फिलहाल। तो देखो, लाइव सर्वर में इस तरह से कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक मैंने ड्यू ले लिया और ड्यू के अंदर मैंने लिख दिया हाय, हेलो हेलो हाय, हेलो हेलो हेलो, बस मैंने इतना ही लिख दिया क्योंकि मुझे अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। तो मैं फिलहाल लाइव सर्वर में देखो, हाय हेलो, ये आ गया मेरा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस ड्यू को मैं सबसे पहले एक सी एस एस में सिलेक्ट कर दूंगा, सी एस एस, और उसके बाद में मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं सिक्वेंस से जाऊंगा। मैंने क्या किया, मार्जिन दूंगा मैं इसको, मार्जिन दूंगा मैं 20 पिक्सल आपको दिखाने के लिए कि मार्जिन, और उस दे दी मार्जिन आ गई इसको। अभी मैं क्या करूंगा, इसको बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल, 10 पिक्सल सॉलिड। ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है, तो आपको नहीं पता होगा बॉर्डर किस तरह देते हैं, तो आप प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मेरे पैडिंग, पैडिंग में दे दूंगा 25 पिक्सल, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जब सेव करूँगा, सेव किया मैंने, अभी लाइव सर मैंने देखा किस तरह से आ रहा है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा आपको एक डिफरेंस दिखाने के लिए। मैं यहाँ से कौन सा भी एक एक्वायर कर लूँगा, देखो अगर, तो मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। तो देखो अब ये मेरा क्या है, इसमें सीक्वेंस कैसे आ रहे, मार्जिन आ रही है, ये मैंने सिलेक्ट नहीं की, इसलिए मैंने सिलेक्ट की, इसकी मार्जिन आ रही है, फिर उसके अंदर बॉर्डर आ रही है 10 पिक्सल की, फिर उसके अंदर मेरे पैडिंग आ रही है, फिर उसके अंदर मेरा कंटेनर आ रहा है। तो ये किस तरह से हो रहा है सिक्वेंस, देखो जैसा मैंने आपको सिखाया था, तो उसी सिक्वेंस से हर बार कौन से भी आप ड्यू को किसको भी आप दोगे, तो उसी तरह जैसे ऊपर मार्जिन आती है, फिर बॉर्डर आती है, फिर उसके अंदर पैडिंग आती है, फिर उसके बाद में कंटेंट आता है। तो आपने इमेज भी लगाए तो उस टाइम में भी ऐसा ही होगा। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करो, मतलब आपको डेवलपमेंट के टाइम कुछ इश्यू नहीं होगा और आपके फास्टली डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।